सो हे गाइस, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब मस्त होंगे। गाइस, आज के वीडियो में यार मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग किसी भी वीडियो के अंदर अपना स्काई इफेक्ट डाल सकते हो जस्ट वन क्लिक के अंदर वीएन एप्लीकेशन की मदद से। सो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, चलिए शुरू करते हैं। गाइस, ये वीडियो में मैं आपको सब कुछ ए से लेकर जेड तक सब कुछ अच्छी तरीके से सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले यार आप लोग को क्या करना है, आप लोग को यहाँ पर वीएन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। देन उसके बाद में गाइस आप लोग को एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखना है, ठीक है। उस वीडियो में गाइस आप लोग को मैं बताऊँगा कैसे आप लोग को रिकॉर्ड करना है। तो गाइस उस वीडियो को रिकॉर्ड आप लोग को कुछ इस टाइप से करना है जिसमें कि आपका जो स्काई है वो सर से ऊपर ना जाए। जस्ट मैं आपको दिखा देता हूं एक वीडियो। सो गाइस, ये वीडियो को यहाँ पर कर लेता हूँ मैं इंपोर्ट। सो गाइस, अब आपको कुछ इस टाइप की वीडियो बनानी है। ये जो आप लोग स्काई देख रहे हो, ठीक है, ये आपके सर से ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब आपका वीडियो लो एंगल से शूट नहीं होना चाहिए, आपका वीडियो टॉप एंगल से शूट हुआ होना चाहिए। देन आप लोग को क्या करना है गाइज, इधर राइट साइड में आना है एंड ये ब्लैक पार्ट को आपको डिलीट कर देना है। देन उसके बाद में गाइज आप लोग को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग बहुत सारे स्काई इफेक्ट्स डाल सकते हो, बहुत सारे हैं, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वहाँ से जाकर आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। तो उसके बाद में गाइज आप लोग को स्काई इफेक्ट को जस्ट यहाँ पर इस तरीके से इंपोर्ट करना है। देन उसके बाद में इसको इस तरीके से बड़ा कर देना है, ठीक है, एंड इसके साइज को कुछ इस टाइप से रखना है। देन उसके बाद में गाइस इधर स्क्रॉल करना है एंड आपको मास्क वाला ऑप्शन दिखेगा एंड यहाँ पर लीनियर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोनों फिंगर्स की मदद से इस तरीके से रोटेट करके यहाँ पर आप लोग को मास्क वाले ऑप्शन को एनेबल कर देना है कुछ इस टाइप से। गाइस, सबसे पहले आप लोग को शूटिंग के ऊपर ध्यान देना ही होगा भाई, ठीक है। एंड देन उसके बाद में गाइस इस तरीके से वीडियो को एडजस्ट करना है, ठीक है, अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में गाइस आप लोग को देन यहां पर क्या करना है, ब्लेंडिंग वाले सेक्शन में जाना है। उसके बाद में यहाँ पर मल्टीप्लाई आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है, देन आपको राइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में गाइस आप लोग को यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी है, कलर एडजस्टमेंट। कलर एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, सो गाइस आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इस लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, वीडियो लेयर के ऊपर। देन उसके बाद में यहाँ पर फिल्टर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, उसके बाद में गाइस एडजस्टमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे एंड आप लोग को सबसे पहले यहां पर सेटिंग्स करके देख लेनी है। तो एक्सपोजर को मैं यहां पर थोड़ा सा बढ़ा देता हूं एंड कॉन्ट्रास्ट को यहां पर कम रखूंगा। देन उसके बाद में यहां पर ब्राइटनेस को थोड़ा सा इस तरीके से इंक्रीज करूंगा। उसके बाद में गाइज यहाँ पर आप लोग को इस तरीके से बढ़ा देना है, अपना सैचुरेशन को और वाइब्रेशन को भी यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा देंगे एंड टेम्परेचर को यहाँ पर लो कर देंगे कुछ इस टाइप से, जिससे कि आपका कलर मैच हो जाए आपके स्काई के साथ में। उसके बाद में ज़्यादा कुछ आप लोग दे सकते हो गाइज यहाँ पर, वैसे कुछ इतना खास है तो नहीं, ठीक है। एंड देन उसके बाद में अभी आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ यहाँ पर। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि हमारी वीडियो में कितना कमाल का स्काई इफेक्ट लग चुका है जस्ट वन क्लिक के अंदर। अभी गाइज मैं आपको यहां पर दूसरा स्काई इफेक्ट चेंज करके दिखाता हूं, ठीक है, ये मैं डिलीट कर दिया हूं। उसके बाद में यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बहुत सारे स्काई इफेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हो, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं ये वाला भी आपको यहाँ पर एक बार एडजस्ट करके दिखा देता हूँ। देन यहाँ पर मास्क वाले सेक्शन में जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर लीनियर एंड इसको इस तरीके से रोटेट कर लेंगे दोनों फिंगर्स की मदद से। उसके बाद में यहाँ पर मास्क को इस तरीके से एनेबल कर देंगे। सो गाइज यहाँ पर ये वाला इफेक्ट आप लोग देख सकते हो कितना कूल लग रहा है एंड इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट करेंगे। देन राइट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में गाइज इसको इस तरीके से स्क्रॉल कर देंगे नीचे की साइड में एंड यहाँ पर ब्लेंडिंग में जाएंगे एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई को चूज़ कर देंगे। देन अभी आप लोग देख सकते हैं गाइज, एंड उसके बाद में गाइज अगर आपका वीडियो अच्छा ना लगे तो यहाँ पर वीडियो के ऊपर क्लिक करना एंड यहाँ पर फिल्टर्स में जाना एंड एडजस्टमेंट में जाना एंड अपनी वीडियो के हिसाब से अपनी वीडियो की एडजस्टमेंट आप लोग को कर देनी है। तो यहाँ पर टेम्परेचर को इस तरीके से करूँगा एंड आप लोग देख सकते हैं कि वीडियो जो है काफ़ी अच्छी यहाँ पर लग रही है। एंड इस तरीके से गाइज आप लोग किसी भी वीडियो के अंदर इसका इफेक्ट डाल सकते हो, ठीक है। सो गाइज उसके बाद में आप लोग को यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है एंड यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। होप करता हूँ गाइज आप लोग को यार वीडियो पसंद आई होगी। गाइज वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो गाइज चलता हूँ अगली वीडियो में, फिर मिलूंगा, तब तक के लिए टाटा बाय।